तो राजगीर का जो इतिहास है इसका वर्णन महाभारत में भी है, ऋग्वेद में भी है और वैदिक काल से पहले का ये शहर था। राजगीर में मैं आया हूँ एक धर्मशाला में, हमें मिल गए हैं यहाँ पर ये दो बच्चे, इन्हें पढ़िए भिजवाने की। तो भाई लोग अभी समय है यहाँ से निकलने का, यहाँ माने जो हमारे कुंदन भाई हैं उनके घर से, और अब यहाँ से मैं निकलूँगा राजगीर के लिए। राजगीर में बहुत कुछ है देखने को, मतलब वहाँ कम से कम 4-5 दिन जाएंगे। तो इनकी बाइक खड़ी है तैयार, अभी बैठ के निकलते हैं और फिर मुलाकात होगी राजगीर में। चलिए भाई लोगों, आ चुके हैं राजगीर, बस से नीचे उतर लें और पास में एक धर्मशाला है, एक भाई ने बताई थी, पहले वहाँ चलते हैं, सामान वामान रखें, फिर देखेंगे आगे कहाँ जाना है। भाई राजगीर में मैं आया हूँ एक धर्मशाला में, एक भाई हैं हमारे सुमित जी, उन्होंने बताया था कि इस धर्मशाला में पहुँचना है, वैसे तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। वो मित्र अभी आए नहीं हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो उससे पहले हमें मिल गए हैं यहाँ पर ये दो बच्चे, एक तो ये बैठा, क्या भाई क्या नाम है तेरा, नाम बता दे चल, दूसरा इसका दोस्त है वो बाहर घूम रहा, ले यहाँ मिल गए हमें ये दो बच्चे, एक ये है और एक ये है, आजा इन्हें पढ़िए खुजवाने की। दोनों लड़ रहे हैं कि भैया पहले किसका नंबर आए, आजा 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 आजा। मित्रों मैंने इधर एक धर्मशाला है यहाँ पे कमरा ले लिया है और कमरा पड़ा मुझे 250 रुपये का, बार्गेनिंग के बाद 300 इन्होंने मांगे थे। शेयर्ड वॉशरूम है इसका, बाकी ठीक है क्योंकि अपनी यात्रा में मुख्य उद्देश्य है कहीं भी जगह मिले रुकना और रुकने के बाद निकल जाना है, मतलब रात को सोने के लिए जगह चाहिए होती है, दिन सारा बाहर ही जाता है। कमरा दिखाते हैं आपको अंदर से, और ये हमारे मित्र लोग हैं दो जो अभी 2-3 दिन हमारे साथ यहाँ रहेंगे। बाकी चलिए आपको ले चलते हैं कमरे की तरफ, यह है 10 नंबर कमरा, हालांकि सामान मैंने पहले ही रख दिया है कमरे में, आपको दिखाने के लिए एक बार दिखा देते हैं हम कि ये कमरा तो बहुत बड़ा है, साधारणतः जैसे धर्मशालाओं में होता है। बेड है एक तरफ पूरा, इस पे कम से कम 5-6 लोग तो सो सकते हैं आराम से। चार्जिंग पॉइंट मिल गया हमें एक, तो हमने अपना लैपटॉप यहाँ पे चार्ज लगा दिया है। बाकी हमारी यात्रा का उद्देश्य है घूमना, तो अभी शाम के वैसे 4-4:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से निकलते हैं। कुछ जगहें हैं जो शाम तक खुली रहती हैं, ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड के आसपास की जगहें हैं, वहाँ चलते हैं। धर्मशाला से निकल चुका हूँ और शहर से थोड़ा बाहर आ गया हूँ। जो पुराना राजगीर है या पौराणिक स्थान जो था और आज का जो कस्बा बसा हुआ है राजगीर, उसमें थोड़ा सा अंतर है, 1-2 किलोमीटर का। तो राजगीर का जो इतिहास है इसका वर्णन महाभारत में भी है, ऋग्वेद में भी है और वैदिक काल से पहले का ये शहर था। और राजगीर का जो असली नाम था वो संस्कृत में था राजगृह, जो कि बिगड़ते बिगड़ते राजगीर हो गया। और जरासंध की राजधानी इसे माना जाता है कि जो जरासंध राजा हुआ, जिसकी लड़ाई भगवान कृष्ण से हुई और बाद में भीम ने जिसको मारा, तो वो यहीं का था राजगृह का। तो पाटलिपुत्र के राजधानी बनने से पहले, पाटलिपुत्र जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उससे पहले राजगृह वहाँ की राजधानी हुआ करता था। अभी मैं आया हूँ अजात शत्रु स्तूप पर। अजात शत्रु एक बहुत ही नामी राजा थे जो कि गौतम बुद्ध और महावीर के समकक्ष थे और हिरण्यक वंश था जिसके वो राजा थे, जिसकी शुरुआत बिंबिसार ने की और उसके बाद दूसरे राजा वो अजात शत्रु हुए।
फिर उदयन होते हैं, उदयन ही थे जो पटना की नींव रखते हैं, पाटलिपुत्र की नींव रखते हैं, वहाँ पर वे एक छोटा सा शहर बसाते हैं, पुराना जो पाटलिपुत्र हुआ करता था। बाद में उसे बहुत बाद में उसके के मतलब 100 साल के बाद आसपास उसे राजधानी बनाया जाता है मगध साम्राज्य की, जो कि राजगृह से हट करके पहले जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो राजगीर में होती थी, या कहें कि राजगृह में होती थी। और इसका इतिहास में बता ही चुका हूँ कि महाभारत कालीन ये शहर है, या कहें कि शहर था, आज तो जो मुख्य शहर था उसके कुछ अवशेष बचे हैं यहाँ। बाकी इसका एक कारण यहाँ राजधानी होने का ये भी था कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, केवल एक ही तरफ का इलाका मतलब खुला हुआ है, तो किलेबंदी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी ही जगह को राजधानी चुना जाता था। और इस समय जिस स्तूप पर मैं हूँ, या कहें कि जिस खंडर की जगह पर मैं हूँ, इसे कहते थे अजात शत्रु स्तूप, कि यहाँ अजात शत्रु ने कोई स्तूप बनवाया था, परंतु आज उस स्तूप के मात्र अवशेष रह गए हैं। तो यहाँ की सरकार ने उन्हीं को इकट्ठा करके मतलब एक स्थान को दिखाने की कोशिश की है कि भैया ये था जो वो स्तूप था। तो उस स्तूप के कुछ खम्भे आप देख रहे होंगे, अवशेष मात्र जो ये खम्भे हैं यही बचे हैं। और इनके अगर समय की बात करें तो ये खम्भे या ये स्तूप, ये जगह लगभग 2600 साल पुरानी है, क्योंकि ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए थे अजात शत्रु, या कहें कि महावीर या गौतम बुद्ध। और ये जो राजगीर शहर है, ये जगह है, ये हिंदुओं में, बौद्धों में और जैनों में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरा, मैं जैसे साधारणतः ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ गूगल पे कि क्या क्या घूमने का है, लोगों से भी पूछता हूँ, तो मैंने जिससे भी पूछा बिहार में यहाँ के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ कम से कम 5-6 दिन तो आराम से लगेंगे, बहुत बड़ी जगह है। तो तब तक तो बातों में चीज़ थी, अब मैंने यहाँ आके गूगल पे सारा देखा, रिसर्च किया, लोगों से और भी पूछा, तो अब पता चल रहा है कि यहाँ घूमने की, देखने की कम से कम 25 चीज़ें हैं, 25 जगहें हैं, स्थान हैं जो कि पौराणिक हैं। उसके बाद यहाँ नए कुछ पार्क, जू और जो कहे ग्लास ब्रिज यहाँ बिहार सरकार ने बनवाया है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद भाई राजगीर में कम से कम 6-7 दिन रहने वाला हूँ, और कोशिश करूँगा कि कल मैं निकलूँ नालंदा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ हुआ करता था, उसके आजकल खंडर ही बचे हैं, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे। बाकी अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, अभी वैसे शाम हो गई है तो और क्या क्या हम देख पाते हैं अंधेरा होने से पहले। शाम हो चुकी है तो कहीं जाने का ज़्यादा समय तो है नहीं, तो पास में ही था ये जापान टेंपल, जापानीज़ मंदिर, यहाँ मैं अभी आया हूँ। मंदिर बहुत अच्छा है और इसका हिस्ट्री भी है और इसकी एक स्टोरी भी है, वो आपको इसके अंत में बताऊँगा। एक बार पहले आपको मंदिर दिखा देता हूँ, चलिए मंदिर में चलते हैं। मंदिर से बाहर आ चुके हैं। बाकी मंदिर में मैंने एक चीज़ देखी कि एक भिक्षु था जो वो ड्रम बजा रहा है और साथ में बुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके अलावा और कोई सेवक या कोई व्यक्ति नहीं दिखा, खास करके जो लोगों से कहे कि भैया फ़ोटो नहीं खींचना है, वीडियो नहीं बनानी है, गलती हो गई अंदर, क्योंकि मैंने देखा पहले मुझे बाहर बोर्ड नहीं नज़र आए, वीडियो के बाद में मुझे नज़र आया कि वहाँ लिखा था, बोर्ड लगा हुआ था कि भैया फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। तो कोई नहीं, हालांकि मैं इन नियमों का पालन करता हूं, जहां ये अलाउड नहीं होता है मैं अंदर नहीं खींचता फ़ोटो, नहीं ले जाता। बाकी चलो गलती हो गई। हाँ, ये जो है मंदिर को बनवाया था बौद्धिक गुरु थे
निचिदात्यु फुजई, जो कि जापान बौद्ध फाउंडेशन या पीस फाउंडेशन के कर्ता धर्ता थे, उन्हीं की देखरेख में और उन्हीं के प्रयासों से राजगीर का जो कहेंगे कि पुनर्निर्माण शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, वो थे जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष और वो लगभग 1975 तक एक्टिव रहे और उन्हीं के समय में यहाँ जो ये बौद्ध विहार है वेनुवन जो है उसका निर्माण कराया गया, पुनर्निर्माण कराया गया, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय महाराजा जब बिंबिसार हुए उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए पहला एक ऐसा विहार तैयार करवाया, एक वन, क्योंकि वो महलों में तो रहते नहीं थे भगवान बुद्ध, तो उनके लिए ऐसी जगह तैयार करवाई जहाँ पर वो संग कर सकें, अपने भिक्षुओं को ज्ञान दे सकें, बौद्ध का धर्म का ज्ञान दे सकें या कहेंगे कि बौद्ध शिक्षाएं दे सकें। तो बाद में वो तो नष्ट हो गया जो मुख्य विहार था, तो उसी के जस्ट सामने दूसरे विहार का जो तैयार कराया गया उसको वेनुवन कहते हैं आज वो है, और वो इन्हीं जो जापानी गुरुजी हैं इन्हीं के प्रयासों से शुरू हुआ बना, और आज कहीं ना कहीं बिहार में राजगीर को जो रूप आज मिला हुआ है वह रूप देने में इनका कहीं ना कहीं एक विशेष योगदान है। तो चलिए आज के लिए नमस्कार, राम राम।